मेरा नाम अखिल है और आज मैं आपको तितलियां बनाना सिखाने वाला हूँ। देखिए, हमारी तितली इस तरह से दिखेगी। और आप, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम इस तरह से तितलियां बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले आप एक नोटबुक के पेपर को लेंगे, ये एकदम स्क्वायर है, आपको इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड कर देना है और इस तरह से आपको इसको दबा देना है और आपको इसको इस कोने से इस कोने तक मोड़ देना है। अगर आप इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो ये जल्दी बनेगा। ठीक है, तो आप, ठीक है, अब जल्दी से इसको इस कोने तक मोड़ देंगे। अभी हम इसको खोलेंगे और इसको ये ऊपर वाले कोने से इधर तक मोड़ देंगे। तो ठीक है, हम जल्दी जल्दी मोड़ देते हैं। नहीं, पहले इसको उल्टा करके मोड़ेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी मोड़ देते हैं। और ये मैंने मोड़ दिया है, अभी हम इसको खोलेंगे और वापस से सीधा कर लेंगे। अभी हम इसको इसको उठाकर इधर और इसको उठाकर इधर ला देंगे और बाद में इसको ऐसे दबा देंगे जिससे हमें एक ट्राइंगल शेप का दिखने को मिलेगा। अभी हमें क्या करना है कि इसको लेना है और हमें इसको इसको हमें लेना है और हमें क्या करना है कि इसको इधर से उठाकर हमें इधर तक मोड़ देना है। ठीक है, ऐसा हमने कस के मोड़ लिया है। ठीक है, अब हम इसको लेंगे, अब हम इसको लेंगे और ये हम कैंची लेंगे। अगर अब हमने कैंची ले ली तो अब हम इसको ऐसे लेके ऐसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। आपकी जितनी अच्छी कैंची होगी उतनी जल्दी ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम अब के लिए साइड में कर लेते हैं और अब हम इसको खोलेंगे। इसके जो दो लेयर है उसमें से एक लेयर को उठा के हम आगे साइड मोड़ देंगे और दूसरे लेयर को उठा के भी हम इसको आगे साइड मोड़ देंगे। तो आप जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म कर लीजिए। अभी हम इसको उल्टा करके जो ऊपर वाला भाग है वो ऐसे पीछे तक पूरा ले लेंगे। ये थोड़ा मुड़ जाएगा पर कोई बात नहीं। अभी हम इसको कस के टाइट कर लेंगे और हम इसको मोड़ेंगे तो ये इस बटरफ्लाई के शेप में आ गया होगा और ये जो ऊपर का भाग है उसको हम आगे की साइड मोड़ देंगे जिससे करके हमें एक बटरफ्लाई का शेप का मिल जाएगा। अब हम इसको लेंगे और अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको एक दूसरे टाइप का बटरफ्लाई बनाना सिखाऊंगा। तो ये देखिए, अगर आपने ऐसा बटरफ्लाई बनाया है और आपको इसमें से दूसरे टाइप का बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसकी जो विंग्स है उसको इधर एक गैप दिखने को आपको मिलेगी, उस गैप में आप इसके पंखों को डाल देंगे। तो जल्दी जल्दी डाल लेते हैं, बाद में देखते हैं ये कैसा दिखता है। तो अब हम लेंगे और इसके पंखों को इतना इतना इसमें डाल लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम फटाफट से इसको इसमें डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसको इसके अंदर डालने के बाद हमें इसके पंख कुछ आड़े दिखने को मिल रहे हैं जो हमें एक कीड़े की तरह दिख रहा है। तो ये दोनों बटरफ्लाइज आपको कैसे लगे वो हमें लाइक या सब्सक्राइब करके, ये दोनों बटरफ्लाई आपको अच्छे लगे हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।